हेलो एवरीवन, आज हम क्लास सेकेंड इंग्लिश मृदंग बुक का यूनिट 3 का थर्ड चैप्टर दिस इज माय टाउन रीड करेंगे और इसका मीनिंग डिस्कस करेंगे। पहले मैं इस पोएम को रिसाइट करती हूँ। दिस इज माय टाउन, इन माय टाउन देयर आर स्ट्रीट्स, इन माय स्ट्रीट देयर आर हाउसेस, इन माय हाउस देयर आर रूम्स, इन माय रूम देयर इज अ बेड, On the bed there is a basket, in the basket there are some flowers, flowers in a basket, basket on the bed, bed in the room, room in the house, house in the street, street in the town. अब हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। दिस इज माई टाउन, स्टार्टिंग में पोइट कहते हैं ये मेरा टाउन है। टाउन मतलब शहर। इन माई टाउन देयर आर स्ट्रीट्स, मेरे शहर में स्ट्रीट्स हैं। स्ट्रीट्स मतलब गलियाँ। इन माई स्ट्रीट देयर आर हाउसेस, इनकी गलियों में घर है। इन माई हाउस देयर आर रूम्स, इनके घर में बहुत सारे रूम्स हैं। इन माई रूम देयर इज़ अ बेड, इनके रूम में एक बेड है। ऑन द बेड देयर इज़ अ बास्केट, बेड के ऊपर एक बास्केट है। इन द बास्केट देयर आर सम फ्लावर्स, बास्केट के अंदर कुछ फ्लावर्स हैं। यहाँ पे इन्होंने फ्लावर्स पर एंड किया था, फिर फ्लावर्स से स्टार्ट करके टाउन तक जाएंगे। फ्लावर्स इन अ बास्केट, बास्केट के अंदर फ्लावर्स, बास्केट ऑन द बेड, बेड के ऊपर बास्केट, बेड इन द रूम, रूम के अंदर बेड, रूम इन द हाउस, हाउस के अंदर रूम, हाउस इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट के अंदर हाउस, स्ट्रीट इन द टाउन और टाउन के अंदर स्ट्रीट्स। तो ये था हमारा चैप्टर दिस इज माय टाउन। मैं इसकी एक्सरसाइजेस पार्ट 2 में बनाऊंगी।